हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेव विद शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 4 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक में, बैंक के बारे में। और इसमें हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंट डे साइबर क्राइम। तो आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से ये साइबर क्राइम कमिट किए जाते हैं, उसी के बारे में ये पूरा लेक्चर है। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा। तो द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंट डे साइबर क्राइम में हैकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ओके, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हैकिंग, मालवेयर, रैनसमवेयर है, क्रिप्टो रैनसमवेयर, उसके बाद में तीन तरीके जिससे जो है कंप्यूटर इन्फेक्ट होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्रेंड्स कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हैकिंग ज़्यादातर हम में से सभी लोग जानते हैं, जब आपके सिस्टम को मतलब जो है कोई एक्सेस कर ले आपकी मर्जी के बगैर, है ना। जैसे मेरा लैपटॉप है, अब इसको कोई दूसरा एक्सेस कर ले, इसका सारा डेटा चुरा ले या फिर इसको ख़राब कर दे, तो वही हैकिंग होती है। तो दीज मे बी कॉल्ड हैकविस्ट। हैकिंग प्लस एक्टिविस्ट से बना हुआ है हैकविस्ट, ठीक है। तो इन्हें हैकविस्ट कहा जाता है। दो तरीके के हैकर्स होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर और दूसरा वाइट हैट हैकर। ब्लैक का मतलब होता है जैसे ब्लैक मनी होती है, उसी तरीके से ब्लैक हैट हैकर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वाइट मनी जैसे होती है वैसे ही वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ये आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो देयर मे बी ब्लैक हैट हैकर्स हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर नेटवर्क विथ द इंटेंशन ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज, देयर बाई स्टीलिंग डेटा और डिस्ट्रॉइंग डेटा। तो ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जिनका उद्देश्य आपके कंप्यूटर नेटवर्क के रिसोर्सेज का, आपके कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है, ताकि वो डेटा को चुरा सकें, डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकें, ख़राब कर सकें। और देन उनको काउंटर करने के लिए, एंड टू काउंटर देम, इनको काउंटर करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए आते हैं वाइट हैट हैकर्स हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ये भी कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करते हैं विथ इंटेंशन ऑफ आइडेंटिफाइंग द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनका उद्देश्य होता है जैसे आप गूगल को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इरादे से कि मुझे पता करना है कि गूगल हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें क्या कमियाँ हैं, तो वो आप वाइट हैट हैकर में आते हैं। अगर आपने कोई कमी पकड़ी और उसको गूगल को इन्फॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपको इनाम वगैरह भी मिले, देते हैं वो, ठीक है। तो वाइट हैट हैकर हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रेक करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिस्टम की कमजोरी, कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर नेटवर्क की कमजोरी को पकड़ना होता है, एंड पैचिंग द वीकनेस फाउंड सो दैट ब्लैक हैट हैकर कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर नेटवर्क एंड डैमेज प्रीसियस रिसोर्सेज। तो ये जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की या कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पैच करते हैं, ठीक करते हैं, जो भी वीकनेस मिलती है उसको ठीक करते हैं, ताकि जो ब्लैक हैट हैकर हैं, काली टोपी वाले हैकर्स हैं, वो सिस्टम का कंट्रोल ना ले पाएँ, नेटवर्क का कंट्रोल ना ले पाएँ, जिससे कि जो हमारा कीमती रिसोर्स है, डेटा है, उसको ये नुकसान ना कर पाएँ, चोरी ना कर पाएँ। ओके, फिर आते हैं मालवेयर। आपके मालवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिन गलत इरादे वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इम्पैक्ट द सिस्टम नेटवर्क, जो कि इन नेटवर्क को या कंप्यूटर सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। दिस काइंड ऑफ फ्रॉड लार्जली स्ट्राइक रिटेल चेन्स दैट मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड नंबर। तो मालवेयर वाले जो अटैक होते हैं ज़्यादातर ये क्या करते हैं, रिटेल चेन को प्रभावित करते हैं, जैसे रिलायंस जियो हो गया या फिर जो है बिग बाज़ार हो गया, फैमिली बाज़ार वगैरह हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि इनके पास कस्टमर की क्रेडिट कार्ड वगैरह का बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, तो इन पर जो है ये मालवेयर वाला फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, ताकि हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें। सच अ फ्रॉड इज परपेचुएटेड बाई इन्फ्यूजिंग ए सॉफ्टवेयर इन टू द रिटेलर सर्वर। तो जो दुकानदार है, जो रिटेलर है, रिटेल चेन है, उसके सर्वर में कोई जो है सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिससे कि मतलब कोई सॉफ्टवेयर जो कि मालवेयर होता है उसको डाल करके डेटा को जो है स्टील या चोरी करने की कोशिश की जाती है। बात करते हैं रैनसमवेयर की। तो रैनसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। तो रैनसमवेयर मालवेयर का ही एक टाइप होता है, यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, गलत इरादों वाला सॉफ्टवेयर होता है, दैट साइबर क्रिमिनल यूज टू होल्ड पीपल टू रैनसम। मतलब रैनसमवेयर का यूज करके साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, लोगों से वसूली करते हैं, फिरौती की मांग करते हैं। ये कैसे फैलता है कंप्यूटर में, कैसे फैलता है, कोई अटैचमेंट आपको आया है मेल में, उसको आपने खोल दिया, या कोई लिंक आई हुई है, फिशिंग ईमेल आया हुआ है जिसमें कोई लिंक दे रखी है, उस पर आपने क्लिक कर दिया, या किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पर आप चले गए जहाँ पर वायरस है उससे भी, या बाय मींस ऑफ ड्राइव बाय
डाउनलोड, मतलब कहने का ऑटोमेटिकली ड्राइव बाय डाउनलोड, मतलब ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, आपने कोई वेबसाइट खोली और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, या जो आप पेन ड्राइव वगैरह यूएसबी स्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी जो है रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो भी फाइलें हैं, जो डेटा है, उसको पासवर्ड वगैरह लगा करके प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब आप उसको अपनी खुद की फाइल नहीं एक्सेस कर पाते, जब नहीं एक्सेस कर पाते तो वो बोलते हैं कि आप मुझे 1 करोड़ रुपये दो, तभी हम इसको जो है ओपन करने का आपका मौका देंगे, नहीं तो हम इसको डिलीट कर देंगे या फिर इसको इंटरनेट पर पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से फिरौती यानी इंटरनेट के थ्रू जो है ये बिजनेस चलाया जाता है रैनसमवेयर का। अब इसी में एक विशेष टाइप के होते हैं क्रिप्टो रैनसमवेयर। क्रिप्टो का मतलब होता है जब आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया जाए। क्रिप्टो का मतलब यहाँ पर होगा कि आप जो आपकी फाइल है ना उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया। इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा आई एम अशोक, ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ आई एम अशोक। अब इसी आई एम अशोक को कुछ और लिखा जाए, अब आपको नहीं पता है इसका क्या मतलब है, जबकि ये मैंने ऐसा कोडिंग यूज किया है कि यदि मैं चाहूँ तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ आई एम अशोक। दिस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, किसी चीज़ को हाइड कर देना, उसको कोड में बदल देना। तो अब मुझे दिखना चाहिए आई एम अशोक और यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं क्रिप्टो रैनसमवेयर। ओके, अब क्रिप्टो रैनसमवेयर में क्या होगा, आपसे फिर से पैसे डिमांड करेगा कि भैया जो है पैसे दो, तब जाकर के हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, तो क्रिप्टो रैनसमवेयर के केस में क्या होता है कि जो आपकी वैल्यूएबल फाइल होती है तो उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, कोड में बदल दिया जाता है, जिससे कि क्या है यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाता है। फिर जो साइबर थीफ होते हैं, साइबर चोर होते हैं, वो आपसे रैनसमवेयर, मतलब आप पर अटैक करते हैं रैनसमवेयर के थ्रू, क्रिप्टो रैनसमवेयर के थ्रू अटैक करते हैं और आपसे मनी की डिमांड करते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी फाइल वापस पा सकें। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लिखी बट ऐसे समझ लीजिए कि साइबर जो थीफ होते हैं, चोर होते हैं, वो आपके ऊपर रैनसमवेयर का अटैक करते हैं, आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर देते हैं, फिर आपसे पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि रैनसम दो, फिरौती का पैसा दो, और तब आपको फाइल वापस मिलेगी। तो दैट इज क्रिप्टो रैनसमवेयर। अब तीन तरीके हैं जिनसे कॉमनली जो है हमारे कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाते हैं, पहला ईमेल के थ्रू, दूसरा मालवर्टाइजिंग के थ्रू, दूसरा ड्राइव बाई डाउनलोडिंग के थ्रू। तो ईमेल के थ्रू कैसे होते हैं, जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति किसी कोई ईमेल आया हुआ है, उस पर कोई लिंक दे रखी है या कोई अटैचमेंट है, तो ऐसे मेल ईमेल को फिशिंग ईमेल कहते हैं। उस ईमेल पर आप क्लिक करते हो तो, या उस लिंक पर क्लिक करते हो, या उस ईमेल के अटैचमेंट को आप ओपन करते हो, तो आपके कंप्यूटर में एक जो है मालवेयर वगैरह आ जाता है। दूसरा मालवर्टाइजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, मालवेयर प्लस एडवर्टाइजिंग, यानी कि ऐसी वेबसाइट आपने विजिट कर ली जिसके एडवर्टीजमेंट में ही वायरस है, दैट डिस्प्लेज इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट, ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें कि वो मालवेयर पड़ा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल वेबसाइट विजिट करता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर किसी वेबसाइट को विजिट करता है जिसमें जो एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं वो एडवर्टीजमेंट ही अगर इन्फेक्टेड हैं तो उसे मालवर्टाइजिंग कहते हैं। ड्राइव बाई डाउनलोडिंग से क्या होता है, इंडिविजुअल विजिट्स अ लेजिटिमेट आर इलेजिटिमेट वेबसाइट। तो जब भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति किसी लेजिटिमेट यानी ऑथेंटिक वेबसाइट को विजिट करता है या इलीगल वेबसाइट को विजिट करता है जिसमें कि मतलब जो है मतलब पहले से कमी है, उसमें पैचेज वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, कहने मतलब वेबसाइट में ही कमजोरी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस मीन्स दैट सिंपली ओपनिंग द वेबसाइट विल रन रैनसमवेयर विदाउट यूजर नोइंग, यूजर के बिना पता चले ही आपके सिस्टम में रैनसमवेयर आ जाता है। ड्राइव बाई डाउनलोडिंग मतलब वेबसाइट विजिट कर ली तो उसी से ही रैनसमवेयर हमारे सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की फ्रेंड्स, जो है वेरियस टाइप ऑफ प्रेजेंट साइबर क्राइम के बारे में बात की हमने, जिसमें हैकिंग आता है, जो हैकर्स होते हैं उन्हें हैक्टिविस्ट कहा जाता है। हैकर्स दो तरीके के होते हैं, ब्लैक हैट यानी काली टोपी वाले, वाइट हैट यानी सफ़ेद टोपी वाले। इनके इरादे गलत होते हैं, इनके इरादे नेक होते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो आपके नेटवर्क को कंट्रोल में लेना चाहते हैं या आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट डेटा को या तो चोरी कर सकें या उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। और इनसे बचने के लिए, इनसे काउंटर करने के लिए हमारे पास होते हैं व्हाइट हैट
हैकर, सफ़ेद टोपी वाले हैकर, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क को ब्रेक करते हैं, लेकिन इनका इरादा, इंटेंशन जो है होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क में क्या कमजोरी है उसको पता करना, उसको ठीक करना, जो भी कमजोरी पाई जाती है उसको ठीक करते हैं ताकि ब्लैक हैट हैकर सिस्टम का फ़ायदा ना उठा पाएँ। फिर आता है फ्रेंड्स आपका मालवेयर। मालवेयर जो है आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को या आपके नेटवर्क को इम्पैक्ट डालता है, प्रभावित करता है। इसमें ज़्यादातर मालवेयर का अटैक किसी पर होता है जो रिटेल चेन्स वगैरह होती हैं, जैसे बिग बाज़ार वगैरह मैंने बताया, तो इनके पास क्या होता है, कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह रहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर के ट्रांजेक्शंस करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनके पास स्टोर रहती हैं। ओके, इसीलिए RBI टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है इसी चीज़ से आपको बचाने के लिए, है ना, टोकनाइजेशन अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो तो ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, रिटेलर के सर्वर में कोई ना कोई इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डालते हैं और जिससे वो डेटा एक्सेस कर पाते हैं। फिर हमने बात की रैनसमवेयर की, तो मैंने आपको बताया रैनसमवेयर में क्या होता है कि लोगों की फाइल को ये हाइड कर देते हैं या उसमें पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं और फिर लोगों से फिरौती मांगते हैं। ओके, अब ये फैलता कैसे है, तो कोई ईमेल आया जिसमें अटैचमेंट है या उस ईमेल में कोई लिंक है जिसको आपने ओपन कर दिया, या कोई ऐसी वेबसाइट विजिट कर ली जिसमें ऑलरेडी रैनसमवेयर था, या ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गया, ड्राइव बाय डाउनलोड का मतलब कि जो ब्राउजर है उसमें कमी थी, वो पकड़ नहीं पाया रैनसमवेयर को और ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, या जो आप पेन ड्राइव वगैरह इधर उधर लगाते रहते हैं उसका भी इफेक्ट जो है उसकी वजह से भी रैनसमवेयर आ जाता है। फिर आते हैं क्रिप्टो टाइप के रैनसमवेयर, तो ये बस रैनसमवेयर ये भी हैं, ये भी पैसा ही मांगते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आपकी फाइल को, आपकी वैल्यूएबल फाइल को ये इनक्रिप्ट कर देते हैं, कोड में बदल देते हैं और फिर बाद में आपसे बोलते हैं कि पैसा दोगे तो ही आपको फाइल वापस मिलेगी, तो दैट इज़ क्रिप्टो रैनसमवेयर। सिंपल रैनसमवेयर में आपकी फाइल को या तो हाइड कर दिया जाता है या उसमें पासवर्ड वगैरह लगा दिया जाता है, उसको इनक्रिप्ट नहीं किया जाता है। अब कौन कौन से तरीके हैं, तो तीन तरीके हैं जिनसे रैनसमवेयर फैलते हैं, ओके, जिससे आपके रैनसमवेयर से कंप्यूटर अफेक्ट होते हैं, तीन तरीके हैं। ईमेल आ गया, उस ईमेल पर कोई गलत लिंक थी या कोई गलत अटैचमेंट था जिसको आपने खोल लिया और उसकी वजह से आपके सिस्टम में रैनसमवेयर आ गया। ऐसे ईमेल जिसमें ये सब चीज़ें मेलिशियस लिंक या अटैचमेंट होते हैं उन्हें फ्रेंड्स हम फिशिंग ईमेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिशिंग ईमेल कहते हैं। मालवेयर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी जो है रैनसमवेयर फैलते हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसी वेबसाइट विजिट कर ले जहां पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है उसमें जो है, अगर आपका कोई मालवेयर वगैरह है या रैनसमवेयर है तो भी आपका कंप्यूटर अफेक्टेड हो जाता है। ड्राइव बाय डाउनलोड का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करते हैं जो चाहे लिजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, लेकिन वो जो है एक्सप्लॉइट हो जाती है, किसकी, क्योंकि उसमें कोई पैचिंग नहीं की गई है। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी, आपने वो वेबसाइट विजिट कर ली, अब उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब आप वो वेबसाइट केवल खोल लेते हैं, रन कर देते हैं उस वेबसाइट को, तभी वो रैनसमवेयर बिना आपकी नॉलेज के ही डाउनलोड हो जाता है। तो ये हो गए तीन तरीके जिनसे रैनसमवेयर अपने आप को स्प्रेड करता है, फैलाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है आपकी पहचान चोरी हो जाना। ओके, तो पहचान चोरी होने के क्या फायदे होते हैं, आइए देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉब्लम व्हिच इज अफेक्टिंग मिलियंस इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड व्हिच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। तो ये बहुत तेज़ी से फैलती हुई समस्या है, पहचान का चोरी होना, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये मिलियन लोगों को यानी 10-20 लाख लोगों को इंडिया या करोड़ों लोगों को इंडिया में प्रभावित कर रही है और पूरी दुनिया में भी प्रभावित कर रही है, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट कैन बी टर्म्ड एज यूजिंग अनदर पर्सनस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन या आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम एड्रेस। आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की जो पर्सनल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का एड्रेस, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उसका पैन कार्ड, उसका पासपोर्ट, कोई भी चीज़ ले लीजिए, एज वेल एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका अकाउंट नंबर, उसका डेबिट कार्ड डिटेल, उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल, इन ऑर्डर टू मेक परचेज आर बारो मनी। मतलब अब ये सारी डिटेल्स आप चुराते क्यों हैं, इसलिए हमने चुराया ताकि हम उसके नाम पर कोई ख़रीदारी कर सकें, कहीं से लोन ले सकें उसके नाम पर कोई अकाउंट खोल सकें। अगर आपके नाम पर कोई गलत अकाउंट खुल जाए, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति खुलवा लेता है और पता चला कि जमतारा वाले सारे पैसे उसी में भेजें, तो भी आप फंसोगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ करने की कोशिश जाती है। आर कमिट अ क्राइम विदाउट दैट पर्सनस परमिशन, या कोई ऐसा क्राइम करने की कोशिश जाती है आपका डिटेल लेकर के, बिना आपकी परमिशन के अगर कोई क्राइम कमिट किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपका आइडेंटिटी थेफ्ट में आती है। आइडेंटिटी थीव्स कैन मिसयूज आवर आइडेंटिटी फॉर फ्रॉड एक्टिविटी, भाई एक बार आपकी पहचान चुरा ली गई तो उसको जो है फ्रॉड एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है। ओके,
लिस्टेड विलो आर डिफरेंट वेज आइडेंटिटी थेफ्ट कैन हैपन। ठीक है, तो भाई कुछ नीचे जो है डिटेल दी गई कैसे कैसे आइडेंटिटी चोरी की जाती है, लेकिन साइबर क्रिमिनल यहीं रुकते नहीं हैं। मतलब इनका कहने का कि केवल जितना हम बता रहे हैं इसी में नहीं उनका काम चलता है, वो सिस्टम की जो कमजोरियां हैं उनका और फ़ायदा उठा करके बहुत तरीक़ों से भी आपकी पर्सनल डेटा को चुराते हैं। तो जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होता है, सर्वे फॉर्म के थ्रू आपका पर्सनल डेटा चोरी होता है, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सर्वे फॉर्म गिवन इन अ रेस्टोरेंट एंड लकी ड्रा कूपन्स एट शॉपिंग मॉल मूवी थिएटर्स रिक्वेस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जब आप कोई रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, ठीक है, या कोई शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, वहाँ लकी ड्रा कूपन चल रहा होता है, कोई मूवी थिएटर जाते हैं, वहाँ पर आपसे बोला जाता है कि सर ये हमारा सर्वे फॉर्म इसको भर दीजिए, आप भर देते हैं। भाई ठीक है, अरे बहुत बड़े आदमी हैं, हम आए हुए हैं तुम्हारे शॉपिंग मॉल में, बताओ कहाँ भरना है, क्या क्या भरना है। हमने पूरा लिख दिया, नाम लिखा, एज, और उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर दे दी। ये आप देखिए कि साइबर क्राइम का लेवल क्या हो रखा है। अब इस पूरे आगे 10-12 मिनट में आपको समझ में आएगा कि साइबर क्राइम किस लेवल पर जा चुका है और आपको कहां कहां सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जनरली दिस इन्फॉर्मेशन इज सोल्ड टू अनदर पार्टी फॉर मनी। अब ये जो जानकारी है जो आप यहां फॉर्म भर करके चले आए ना सर्वे के, ये जो है दूसरी पार्टी को बेच दिया जाता है पैसों के बदले में। आपका डेटा चोरी हो गया एक तरीके से। पर्संस गेट कॉल रिगार्डिंग प्रोडक्ट। अब भाई एक बार जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने अपना डेटा भरा, जिसमें आपने अपना नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, अपनी एज वगैरह लिख दी। अब आपको कॉल आती है कि सर ये वाला प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं यदि आप चाहें तो। तो आप जैसे आप ये सोचते होंगे ना कि सर मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से, है ना, जैसे मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने एक जो है वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट डाला कि मुझे जो है मतलब ज़रूरत है रूम की, ठीक है, चलो मैंने डाल दिया। अब उसके बाद में वो एडवर्टीजमेंट कब का एक्सपायर हो गया, बाद बीत गई, उसके 4 महीने बाद मुझे फ़ोन आता है कि सर आपने ना फलानी वेबसाइट पर जो है अपना रूम के एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट डाली थी, अगर आगे से आपको ज़रूरत हो ना तो उस वेबसाइट पर मत जाइएगा, हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। आप सोचिए कि मतलब मैंने 4 महीने पहले एडवर्टीजमेंट किसी दूसरी कंपनी के पास डाला था और उसने उसका डेटा चोरी हो गया और मुझे कॉल आ रही है सीधे इसी बात के लिए कि सर अगर आपको रूम की नीड है तो इस वेबसाइट पर ना जाकर हमारी वेबसाइट पर आइए, ये फ्री है। आप लेवल आप समझिए कि डाटा का चोरी किस लेवल पर होता है। तो ये इसी वजह से आपको प्रोडक्ट की कॉल्स आने लगती हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स दीज फोन नंबर्स टू कंसल्टेंट फॉर मनी। अब ये कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कंसल्टेंट को जो है ये डेटा बेच देती है। कंसल्टेंट मतलब आपके किसी भी तरीके कंसल्टेंट हो गए, वकील हो सकते हैं आपके, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं आपके, डॉक्टर्स के लोग हो सकते हैं, जो भी कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाते हैं वो आपको फ़ोन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर शॉपिंग एट सुपर मार्केट्स एंड मेडिकल स्टोर्स एंड रिटेल चेन्स इन मॉल, दीज आउटलेट्स इंसिस्ट ऑन गिविंग आवर फोन नंबर। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये चीज़ तो आपके साथ पक्का हुई होगी मेरे ख्याल से, कि जब भी आप किसी बड़ी मार्केट में, मेडिकल स्टोर्स पर, मेडिकल स्टोर पर नहीं होता है लेकिन जब आप सुपर मार्केट यानी बिग बाज़ार चले गए या कोई रिलायंस ट्रेंड वगैरह चले जाइए, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं, वो पक्का आपसे मोबाइल नंबर पूछते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि सर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर देंगे तो हम आपको एड ऑन पॉइंट देंगे, अगली बार आइएगा रिडीम कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट परचेज में, ऐसा करते हैं। अब जो आपने मोबाइल नंबर और डेटा दिया ना, इसे जो है आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए मिसयूज किया जा सकता है। समझ रहे हैं इस तरीके से चोरी होती है। हम में से बहुत से लोग मोबाइल नंबर दे आते हैं। पीपल रिसीव मेल्स मैसेजेस प्रॉमिसिंग सम बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ कैश प्राइज, लॉटरी, जॉब ऑफर्स थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस। अब ये भी एक तरीका है डेटा चोरी करने का, कि लोगों को ईमेल आती है, मैसेज आते हैं जिनमें उनको बताया जाता है कि आपको कैश मिलेगा, आपको लॉटरी आपकी लग गई है, आपको नौकरी का ऑफर मिला हुआ है। ये ईमेल पर भी आता है, व्हाट्सएप पर भी आता है, एसएमएस के थ्रू भी आता है। ओके, दे सेंड मेल विद द लोगोज सिमिलर टू द ओरिजिनल वेबसाइट मेकिंग देम फील लाइक अथॉराइज्ड वन। जो आपको ईमेल आएगी उसमें लोगो अमेजॉन का ही लगा रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं एक्चुअल में ईमेल अमेजॉन से ही आई है, अथॉराइज्ड वन से आई है। क्रिमिनल्स मे एक्सेस अदर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, ई कॉमर्स साइट एंड ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड यूज दैट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट यू एंड फॉर सेल्फ बेनिफिट। तो मतलब यहीं नहीं रुकते हैं, क्रिमिनल जो है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। कहाँ से? शॉपिंग पोर्टल से चोरी कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइटों से चोरी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन कहीं पर भी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है अपने बैंक अकाउंट का, तो वहाँ से भी चोरी हो जाता है और फिर इसको आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है या खुद के बेनिफिट के लिए भी ये यूज करते हैं। इफ़ वन गेट एन ईमेल आर पॉपअप मैसेज दैट आस्क फॉर पर्सनल आर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट रिप्लाई, इनफैक्ट डोंट इवन क्लिक ऑन द लिंक इन द मैसेज।
तो जब भी आपको कोई ईमेल मिलती है या कोई पॉपअप मैसेज आता है जिसमें आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, तो ना तो उसको रिप्लाई करिए और ना ही उस मैसेज में कोई लिंक वगैरह दिया तो उसको भी खोलिए मत, बंद कर दीजिए, ठीक है। लिजिटिमेट कंपनीज डू नॉट आस्क दिस इन्फॉर्मेशन बाय ईमेल। ध्यान रखिए कि जो जेन्युइन कंपनियां होती हैं, बैंक कभी ईमेल करके आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगेंगे, बैंक कभी आपको कॉल करके ओटीपी नहीं मांगेगा। क्यों? बैंक के पास इतना टाइम नहीं होता है, बैंक एम्प्लॉय के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे ओटीपी मांगने बैठेगा, विश्वास कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरबर्डन होते हैं। ये सब खेल कब करेंगे? ये काम वही लोग करते हैं जो एकदम खाली होते हैं। तो आपने देखा होगा कितनी जगहों पर, मतलब किस किस लेवल पर जो है, और ये बहुत बड़े लेवल का गेम है फ्रेंड्स। जो है अगर आप लोग जो है मतलब एक आधी मूवीज वगैरह भी, एक या दो मूवीज हैं साउथ इंडिया की, ज़बरदस्त मूवीज हैं अपने आप में इसी टॉपिक पर ही, अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि वाकई कितना ज़्यादा। आप फोटो स्टेट की दुकान पर जाते हैं फ्रेंड्स ना, जब आप आधार कार्ड वगैरह अपना फोटो कॉपी करवाने, विश्वास मानिए वहाँ पर भी आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, वहाँ पर भी वो आपका एक इमेज जो है स्टोर कर लेते हैं और वो बाद में बेची जाती है। बहुत गंदा खेल है ये अपने आप में। आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। करोड़ों लोग इंडिया में प्रभावित हैं, दुनिया में प्रभावित हैं, जिनमें हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिटी को, डेटा को चुरा लेना, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, है ना, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका पासपोर्ट का डेटा, ये सारा चीज़ें चुरा लेना, उसकी फाइनेंशियल डेटा भी, उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल, ये सारी चीज़ें चुरा करके जो है आप आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं। अब इस डिटेल का यूज करके आप कोई परचेज करते हैं। अब आप सोचिए आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया है, चोरी हो गया है, और उससे कोई रिवॉल्वर परचेज कर ले और वो रिवॉल्वर किसी मर्डर वगैरह में यूज हो जाए, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सिचुएशन बनने वाली है। कहीं से लोन ले लिया आपके, आपको पता भी नहीं आपके ऊपर 20 लाख का लोन चल रहा है, आप सोचिए, नया अकाउंट खोल लिया और उस अकाउंट में जो फ्रॉड वाले पैसे हैं वो आ रहे हैं, फंसोगे तो आप ही, क्योंकि डेटा आपका यूज हुआ है। उसके बाद में कोई कमिट कर दिया क्राइम आपका डेटा चुरा करके और बिना आपकी परमिशन के, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी थेफ्ट में आती हैं। जो आइडेंटिटी चोर होते हैं, आइडेंटिटी चुराने वाले लोग होते हैं, वो फ्रॉड एक्टिविटी में आपकी पहचान का मिसयूज करते हैं। कुछ तरीके इन्होंने नीचे बताए हैं कि कैसे जो है आपका आइडेंटिटी चुराई जाती है। तो उसमें सर्वे के जो फॉर्म होते हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, लकी ड्रा वाला भी बहुत तगड़ा है। आपको बोला जाता है कि इसमें डिटेल भर दीजिए, लकी ड्रा अगर आपका निकल जाएगा, अब पता चला कि 1000 लोग अगर लकी ड्रा में अपना इन्फॉर्मेशन भर दिए तो वो 1000 लोगों की इन्फॉर्मेशन यूज की जाती है, उससे आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, उससे आपको एडवर्टीजमेंट आते हैं, ओके। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, सर्वे फॉर्म्स गिवन इन अ रेस्टोरेंट, आपको रेस्टोरेंट में सर्वे फॉर्म दिया जाता है, या लकी ड्रा कूपन आपका शॉपिंग मॉल वगैरह में चलता रहता है, मूवी थिएटर्स में चलते रहते हैं, जहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, भाई कम से कम अपना नाम और मोबाइल नंबर तो आप लिखोगे ही लिखोगे किसी भी सर्वे में, है ना। उसके बाद में ये डेटा चोर मतलब बेच दिया जाता है दूसरी पार्टी को पैसे के बदले में, 10 रुपये का एक आधार कार्ड, आप समझिए इस लेवल का गेम होता है। फिर आपको प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कॉल आनी शुरू होती हैं, प्रोडक्ट के लिए आपको कॉल आनी शुरू होगी, आपका नाम वो लेता है व्यक्ति सामने वाला, आपका नाम मोबाइल नंबर दोनों पता है उसको, अब सोचिए कि कहाँ तक डेटा चोरी हुआ। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रू कॉलर से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ट्रू कॉलर भी तो एक तरीके से चोरी करने का एक तरीका होगा डेटा। भाई बैठो मोबाइल नंबर, जैसे मान लो 9494787882 है मेरा नंबर, ठीक है, मेरा ऑफिशियल नंबर है। अब 82 है, 83848586 ऐसे करते हुए चले जाओ, जो ट्रू कॉलर पे जो नाम आता जाए वो स्टोर करते जाओ, उठा करके ये डेटा बेचा जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। जब आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह, सुपरमार्केट में या रिटेल चेन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिए, ताकि अगली बार जब आएँ आप परचेज करने तो आपको कुछ ऐड ऑन पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये डेटा जो है मिसयूज किया जाता है आइडेंटिटी को थेफ्ट करने के लिए। अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर ना दें, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब भी बिग बाज़ार या वी मार्ट वगैरह में शॉपिंग की है, मुझे नहीं लगता बिना मोबाइल नंबर के इन्होंने जाने दिया है, लगभग ये यूज कर लेते हैं, ओके। पीपल रिसीव कॉल्स, मेल्स, आपको मेल आती हैं, मैसेजेस आते हैं, एक बार आपका डेटा चोरी हो गया तो आपको मेल मैसेज वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, कैश प्राइज मिलेगा आपको, लॉटरी लग गई है आपकी, जॉब ऑफर्स आ गए हैं, व्हाट्सअप, अभी रिसेंटली मुझे मेदांता से मैसेज आया हुआ था, मेदांता हॉस्पिटल से, कि जो पिछली बार आपका चेक किया था तो आपका शुगर लेवल जो है बहुत बढ़ा हुआ था, आपको इमीडिएट डॉक्टर की अटेंशन ज़रूरी है। अब आप सोचिए शुगर दूर दूर तक मुझे नहीं है, बट उन्होंने मैसेज कर दिया, चलो कोई नहीं, मुझे कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जिनकी उम्र जो है 50 से 55 साल की हैं, और से उनको अगर वाकई शुगर है, तो आप सोचिए, मैंने वही जो एक थ्योरी बताई नहीं थी कि भाई
इतनी बड़ी आबादी है ना कि अगर एक पत्थर मारोगे तो किसी न किसी कबूतर पे, किसी न किसी व्यक्ति पे वो लगेगा, वही वाली बात हो गई। और हो सकता है, आप ये भी सोचिए कि अगर दिल का कमज़ोर आदमी हो और उसको ये मैसेज आ जाए कि पिछली बार हमने जो आपकी किडनी चेक की थी तो किडनी कमज़ोर पाई गई थी, पिछली बार जब आपने आपका हार्ट चेक किया था, दिल चेक किया था, तो दिल कमज़ोर था आपका, उस मैसेज को पढ़ ले आदमी और सीरियसली ले ले, तो उसके चक्कर में उसका हार्ट फेल हो जाए। इस लेवल पर पहुँच चुकी है मार्केटिंग, इस लेवल पर पहुँच चुके हैं फ्रॉड। चलिए, जब आपको ईमेल वगैरह आती हैं तो वहाँ पर जो लोगो वगैरह लगे रहे उससे आपको विश्वास होगा कि अथराइज जगह से हमें ईमेल आई हुई है, तो आप विश्वास कर लोगे। ओके, जो क्रिमिनल हैं वो आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ई कॉमर्स वेबसाइटों से, शॉपिंग पोर्टल से, ऑनलाइन बैंक अकाउंट वगैरह से भी चुरा लेते हैं, फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो सावधानी ये रखनी है कि अगर कोई ईमेल आता है या कोई पॉपअप मैसेज आता है, ऐसे जो पॉपअप मैसेज आ जाते हैं निकल करके, जब आप IIBF की वेबसाइट खोलते हैं तो एक पॉपअप आता है, तो उसमें अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो रिप्लाई नहीं करना है उस लिंक पर या उस एडवर्टीजमेंट पर, ईमेल पर क्लिक ही नहीं करना है। ओके, और लिजिटिमेट कंपनीज कभी भी ऐसी जानकारी ईमेल और कॉल या व्हाट्सएप या SMS से नहीं पूछती हैं। जैसे बोलते नहीं कि बैंक बोलता है कि कभी अपनी OTP मत शेयर कीजिए, क्योंकि बैंक कभी खुद कॉल आपको नहीं करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अब अदर कुछ और हैं, जितना हमने तो पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट डे साइबर क्राइम्स हैं, उनके अलावा भी कुछ हैं जो नीचे दिए गए हैं, तो इनके बारे में बात करनी है। पहला है रैम स्क्रैपर्स। रैम स्क्रैपर्स क्या होते हैं? इन रैम स्क्रैपर टेक्निक मालवेयर इज इंसर्टेड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम रैम। कंप्यूटर में, लैपटॉप में रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब आपके कंप्यूटर में या मशीनरी में ऐसा जो है मालवेयर डाला जाए जो कि रैम से डेटा चुरा ले, रैम से, तो उसे ही रैम स्क्रैपर कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक इज POS मशीन, जो आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है रैम से। POS मशीन के रैम से ही क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी, डेबिट कार्ड से रिलेटेड डेटा चोरी हो जाता है, तो दैट इज रैम स्क्रैपर। फिर आता है अपन साहब का स्निफिंग। स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, वैसे होता है, पर इसका मतलब है कि आपको नेटवर्क की पूरी तरह से आइडिया है। सिटिंग ऑन ए नेटवर्क, आप नेटवर्क पर बैठे हुए हैं एक तरीके से समझ लीजिए। व्यूइंग एवरी इन्फॉर्मेशन फ्लोइंग एंड चेंजिंग द इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा यहाँ से वहाँ जा रहा है उस हर डेटा पर आपकी नज़र है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको बदल भी दे रहे हैं, आप डेटा पैकेट को आप चेंज भी कर दे रहे हैं, दैट इज स्निफिंग। टाइप ऑफ स्निफिंग इन विच यूजर नेम एंड पासवर्ड आर स्टोलन यूजिंग दिस टेक्निक इज कॉल्ड पासवर्ड स्निफिंग। तो अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चोरी किया जाता है इस तरीके से, क्योंकि नेटवर्क में हर कोई आपकी एक्टिविटी देख रहा है नेटवर्क में वो व्यक्ति, तो अगर उसने आपका पासवर्ड चुरा लिया, यूजर आईडी चुरा ली, तो उसको हम पासवर्ड स्निफिंग कह देंगे। ओके, स्निफिंग बोल देते हैं। फिर आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफ करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, एक तरीके से स्पूफ करना होता है। ओके, कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और बोले कि मैं अशोक सर हूँ, जबकि आपने मुझे देख रखा है, लेकिन मेरे जैसा ही दिखने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं अशोक सर हूँ, तो दैट इज काइंड ऑफ स्पूफिंग। ओके, इन स्पूफिंग अ मैसेज इज सेंट फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड पर्सन क्लेमिंग टू बी फ्रॉम ए ट्रस्टेड पर्सन। आपको एक मैसेज आता है अनऑथराइज्ड पर्सन से, लेकिन आपको लगेगा कि वो ट्रस्टेड पर्सन से है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, फेसबुक जो है आईडी बना लेते हैं दूसरे की, एक ही व्यक्ति की दूसरी फेसबुक आईडी, या आप ही की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया, ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति उसमें लॉगिन कर लिया और फिर आपको वो मैसेज भेजता है कि भाई ना मुझे 5,000 रुपये इमीडिएट भेज दे यार, बड़ी ज़रूरत है। आपने 5,000 रुपये भेज दिए, बाद में पता चलता है कि यार वो तो मेरी आईडी हैक हो गई थी, या वो मेरी फेक आईडी है, मेरी असली आईडी नहीं है। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना है, विश्वास दिलाना है कि मैं सही आदमी हूँ, ऐसा मैसेज भेजा जाएगा। ओके, SMS आया आपके एकदम दोस्त के फ़ोन से, आया लगा कि दोस्त के फ़ोन से आया, जबकि आया कहीं और से, लेकिन मोबाइल नंबर उसका दिखा रहा है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ स्पूफिंग टेक्निक। ओके, फिर आता है फिशिंग। क्या आता है फ्रेंड? फिशिंग, इट इज़ अ हैकिंग टेक्निक। इसके बारे में बात वैसे हम कर चुके हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। इट इज़ अ हैकिंग टेक्निक वेयर बाई एक्टिंग एज ए ट्रस्ट वर्थी एंटिटी फ्रॉडस्टर ट्राई टू गेट डिटेल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक SMS, ईमेल, वॉइस मैसेजेज। यहाँ पर भी मतलब जो
है कि ये जो फिशिंग टेक्निक होती है इसमें भी आपको जो व्यक्ति आपसे मैसेज करेगा, एसएमएस करेगा, ईमेल करेगा, वॉइस मैसेज करेगा, वो ट्रस्ट वर्थी बनने की कोशिश करता है, जैसा स्पूफिंग में हुआ था। वहाँ पर भी क्या है, फॉल्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, आपको गलत आदमी इम्पर्सनेट कर रहा है, मतलब कहने का दूसरा आदमी दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ईमेल अमेजॉन, आपको लग रहा है कि ईमेल अमेजॉन से आया हो लेकिन अमेजॉन से नहीं है, ओके ओके, तो उसे वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो वो फिशिंग में आ जाता है। अभी हम फिशिंग और स्पूफिंग में डिफरेंस देख लेंगे, कन्फ्यूजन बन रही होगी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं क्लियर करता हूँ। इफ़ सच अ मेथड इज टारगेटेड एट ऑल एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सेंसिटिव डेटा, इट इज़ कॉल्ड स्पीयर फिशिंग। ओके, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉय को टारगेट कर लिया जाए, फिशिंग की गई लेकिन सारे एम्प्लॉय के साथ की गई, तो दैट इज स्पीयर फिशिंग। क्या बोलेंगे उसे, स्पीयर फिशिंग कहते हैं। और अगर जो है इसका एम जो है मैनेजमेंट को, मतलब आप जो है फिशिंग कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट को टारगेट किया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, इनको टारगेट अगर आप करते हैं तो उसे व्हेलिंग कहते हैं, क्योंकि व्हेल बहुत बड़ी होती है, मछली है ना, तो इसीलिए ये सब मगरमच्छ नहीं है, सॉरी मगरमच्छ नहीं है, मछलियाँ हैं, मतलब व्हेल मछलियाँ हैं, ये बड़े लेवल के अधिकारी हैं तो इनको व्हेल मान सकते हैं, तो उसको व्हेलिंग बोल देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो फिशिंग में आपको ईमेल वगैरह आती है, एसएमएस आता है और वॉइस मैसेज आते हैं। अगर ईमेल से आता है तो उसे फिशिंग बोलते हैं, अगर एसएमएस से आता है तो स्मसिंग बोलते हैं, अगर वॉइस मेल से होता है तो विशिंग बोलते हैं। अभी देख लेंगे तीनों के बारे में। पहले थोड़ा सा बात करते हैं स्पूफिंग में और फिशिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस होता है, द गोल ऑफ स्पूफिंग इज टू इम्पर्सोनेट समवंस आइडेंटिटी, व्हाइल द पर्पज ऑफ फिशिंग अटैक इज टू स्टील इन्फॉर्मेशन। समझिए बहुत, मतलब दोनों में यही हो रहा है, क्या हो रहा है कि दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने आप को दूसरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेज़ॉन की फेक ईमेल आई हुई है आपके पास में, अब स्पूफिंग है कि फिशिंग है ये क्लियर करने के लिए आप समझ लीजिए क्या डिफरेंस होगा, कि अगर ईमेल आई है और चोरी वोरी करने के इरादे से नहीं आई है, बस केवल वो ईमेल इस बात को साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं अमेज़ॉन हूँ, अमेज़ॉन कंपनी की तरफ से मेरी ईमेल आई हुई है, तो दैट मीन्स कि वो स्पूफिंग कर रहा है। और अगर ईमेल आई है अमेज़ॉन प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपका डेटा चुरा रहा है, तो वो फिशिंग हो गई। डेटा चुराने के उद्देश्य से अगर ईमेल आई है तो वो फिशिंग होती है। अगर केवल दूसरे का रूप धारण करना है, मैं अशोक सर हूँ, जैसे कोई मेरे घर पर चला जाए अशोक बन करके, तो वो स्पूफिंग कर रहा है, उसका इरादा गलत नहीं है, कोई चोरी करने का इरादा नहीं है, लेकिन कोई मेरे जैसा ही बन करके चोरी के इरादे से जाए तो दैट इज़ फिशिंग। अब और भी डिफरेंस देखते हैं। स्पूफिंग इज नॉट कंसिडर फ्रॉड, स्पूफिंग में फ्रॉड नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप जो है दूसरे व्यक्ति के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए आप जो है बस केवल दूसरे की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, दूसरे के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज विक्टिम्स ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आर नॉट स्टोलन, यहाँ कुछ चोरी वोरी नहीं होता। जो ईमेल आई है वो अमेजॉन की तरफ से आई हुई, बस इतनी ही कोशिश की गई, इसके अलावा कोई कोशिश नहीं की गई है। ओके, जबकि फिशिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपका डेटा चोरी होने की कोशिश होती है। मलिशियस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन विक्टिम्स कंप्यूटर इन स्पूफिंग अटैक। स्पूफिंग अटैक में क्या होता है कि जो गलत इरादे वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो विक्टिम के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जबकि फिशिंग अटैक जो होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड जो है स्पूफिंग और फिशिंग में डिफरेंस। फिर बात करते हैं स्मिसिंग, वही एसएमएस प्लस फिशिंग। अगर फिशिंग का काम एसएमएस के थ्रू किया जाए, आपको ईमेल ना भेज करके एसएमएस भेज करके जो है आपका डेटा चुराने की कोशिश की जाए, तो दैट इज स्मिसिंग। फिशिंग एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस ओवर एसएमएस एंड एम एट ट्रिकिंग यूजर्स इनटू डिस्क्लोजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फिशिंग की एक्टिविटी की जा रही है लेकिन एसएमएस से की जा रही है, और आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर कर दें, इसी की कोशिश की जाती है। हैकर्स यूज द हुकअप लाइक प्राइज थ्रो एसएमएस टू चीट द विक्टिम। यहाँ पर क्या है कि एसएमएस आएगा कि आपको प्राइज जीत चुके हैं, इतनी की लॉटरी लग गई है, इस टाइप के एसएमएस आपको भेजे जाते हैं। अगस्त 2018 में हैकर्स ने जो है साइफंड ऑफ, मतलब गमन कर दिया 94 करोड़ रुपए कॉस्मॉस बैंक से। कॉस्मॉस बैंक से स्मिसिंग के थ्रू 94 करोड़ रुपए चोरी कर लिए हैं। कितना बड़ा अमाउंट है अपने आप में अगर देखा जाए तो। एज पर वेरियस स्टडीज दिस ग्रुप यूज स्पेयर फिशिंग टेक्निक। तो जिसने ये चुराया था 94 करोड़, इसने क्या किया, स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग का मतलब मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी इम्प्लॉय को, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके 1 लाख इम्प्लॉय हैं, 1 लाख इम्प्लॉय को सबको जो है एसएमएस भेज दिया जाए सेम जैसा, है ना, या ईमेल भेज दिया, सेंट एन ईमेल कंटेनिंग मालवेयर टू ऑल इम्प्लॉयज यूजिंग देयर डिटेल्स इंटरेस्ट अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया
साइट्स। तो यहाँ पर आपको SMS भेजा गया, ईमेल भेजा गया जिसमें मालवेयर था और उसमें आपकी पर्सनल डिटेल यूज की गई और जो आपका इंटरेस्ट, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको अच्छा लगता है, हॉबीज वगैरह हैं, उसको सोशल मीडिया से उड़ाया गया था ताकि आपको ट्रिक किया जा सके। जैसे अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो नॉनवेज खाना पसंद है तो वो आपका एक इंटरेस्ट है। अगर आपको कोई अच्छा सा ऑफर आएगा नॉनवेज से रिलेटेड तो आप इंटरेस्ट देंगे। आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो मूवीज़ से रिलेटेड कोई ऑफर आएगा आप देखेंगे। अगर आपको मान लीजिए सैर सपाटे का शौक़ है, घूमने जाना पसंद करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई ईमेल आता है, SMS आता है तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। हैकर्स क्रिएटेड अ प्रॉक्सी स्विच फॉर अथराइजिंग फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉक्सी स्विच बना देते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। तो एक प्रॉक्सी स्विच को यूज करके फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कर दी जाती हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है विशिंग, वॉइस के ऊपर जो है, वॉइस यानी कि फ़ोन पे आपके साथ जब फिशिंग की जाती है तो उसे बोलते हैं विशिंग, ओके। तो SMS से स्मिशिंग है ना, वॉइस से विशिंग है ना, और अगर ईमेल किया जाता है तो फिशिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन मेथड अडॉप्टेड बाई फ्रॉडस्टर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मतलब ये बहुत कॉमन मेथड हो चुका है, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने काफ़ी समय से इसको अपना रखा है। मैनी पर्संस माइट हैव रिसीव्ड दिस टाइप ऑफ कॉल सम टाइम्स आर अदर एंड मैनी पीपल आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रॉड। हम में से बहुत से लोगों को इस तरीके की कॉल आ चुकी होंगी और हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं क्योंकि हमें कॉल्स आती हैं। एक एग्जाम्पल इसका देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ फोन कॉल दैट योर अकाउंट हैज़ बीन कम्प्रोमाइज एंड वन नीड टू कॉल ऑन नंबर टू रीसेट पासवर्ड आर अबाउट अ फ्री ऑफर आर टेलिंग यू दैट यू हैव ओन प्राइज बट इन ऑर्डर टू रिडीम द फ्री वीज वन इज परसुएडेड टू फर्स्ट पे फॉर शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेज। तो मतलब ये सब एग्जाम्पल हैं किसकी, विशिंग के, मतलब वॉइस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू आपके साथ जब धोखाधड़ी हो रही है तो इसमें आपको फ़ोन करके बताया जाता है सर आपका अकाउंट जो है हैक हो गया है, कंप्रोमाइज हो गया है, या आपको बोला जाएगा कि आप जो है आपका अकाउंट जो है डिस्टर्ब हो गया है, ऐसा करिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए ताकि आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया जाए तुरंत ही, या आपको बोला जाएगा कि आपका जो है ATM कार्ड एक्सपायर कर गया है ना, या आपको बोला जाएगा कि आपके खाते से 350 रुपये काट लिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल कर दीजिए अभी लौटा दिया जाएगा, इस तरीके के। या कोई आपको फ्री का ऑफ़र आ जाएगा कि आपने ल॑ॉटरी जीत ली है लेकिन अगर लॉटरी के पैसे लेने हैं 2 करोड़ रुपये तुमको मिलेंगे लेकिन पहले जो है 50,000 रुपये इस खाते में जमा करवा दो ताकि हम 2 करोड़ रुपये हवाई जहाज़ से तुम्हारे घर भेज सकें, शिपिंग और हैंडलिंग में 2 करोड़ रुपये लाने में बक्सा वक्सा लगेगा, बैग लगेगा, उसके चार्जेस दे दो तो 50,000 रुपये दे दो। ये सारी टेक्निक्स होते हैं फ्रेंड्स विशिंग की, ओके। तो इनके इनसे बचकर रहना चाहिए। विशिंग इज एन एक्ट ऑफ लवरेजिंग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो फ़ोन वगैरह आपके चलते हैं वो VOIP पर चलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्निक पर चलते हैं। यूजिंग द टेलीफोन सिस्टम टू फॉल्सली क्लेम टू बी अ लेजिटिमेट इंटरप्राइज टू स्कैम यूजर एंड टू डिस्क्लोजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फ़ोन जब आता है तो वो आपको गलत तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सही जगह से कॉल कर रहे हैं। आप सोचिए कि जैसे आपको कॉल आ जाए कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, तो भाई बड़ी मुश्किल होगी कि मतलब हम ये इंसिस्ट करें कि नहीं नहीं आप साबित करिए कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, या बोलें कि मैं ACP बोल रहा हूँ फलाने थाने से, थोड़ा सा आदमी डाउन आ जाता है क्योंकि भाई ACP बोल रहे हो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें भी आजकल बहुत यूज हो रही हैं, विशिंग हो गई फ्रेंड्स, ओके। फिर आता है फार्मिंग, लेकिन उसके पहले ये हो गई हमारी कुछ जो अदर टाइप के जो साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। तो इसमें पहला आता है रैम स्क्रैपर। रैम स्क्रैपर मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें से डेटा चुराना। जब आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा चोरी किया जाता है, खास करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कस्टमर का चोरी किया जाता है, और ये जो होता है कि इसमें पास मशीनों में पॉइंट ऑफ सेल जो मशीनें होती उनके रैम से क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन चुरा लिया जाता है मालवेयर वगैरह का यूज करके। स्निफिंग होता है जब आप एक नेटवर्क को सूंघ सकते हैं, उसमें जो कुछ भी आ जा रहा है इन्फॉर्मेशन उसको देख सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उस इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड चोरी कर लेते हैं स्निफिंग टेक्निक का यूज करके, तो उसे पासवर्ड स्निफिंग कहा जाता है। स्पूफिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई मैसेज ईमेल वगैरह आता है किसी अनऑथराइज पर्सन से आता है, लेकिन वो जो है क्लेम करता है कि नहीं मैं आपका एकदम ट्रस्टेड व्यक्ति हूँ, सम्माननीय व्यक्ति हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, दैट इज स्पूफिंग। फिर आता है फ्रेंड्स आपका फिशिंग। फिशिंग वो टेक्निक है जहाँ पर आपको ईमेल वगैरह आती हैं, ईमेल मतलब जो है ट्रस्टवर्थी एंटिटी बन करके कोई आपको
इट इज़ अ हैकिंग टेक्निक जहाँ पर एक्टिंग एज ट्रस्ट वर्थी एंटिटी, मतलब आपको बस विश्वास रहना चाहिए कि हाँ जो है मैं सही आदमी हूँ, और आपको SMS, ईमेल या वॉइस मैसेज वगैरह आते हैं और आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह चुराने की कोशिश की जाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉई को टारगेट किया जाता है फिशिंग में सेंसिटिव डेटा को चोरी करने के लिए, तो उसे स्पेयर फिशिंग बोलते हैं। और अगर जो है जो बड़े अधिकारी हैं यानी टॉप मैनेजमेंट है, CEO, CFO, CTO को टारगेट किया जाता है, तो उस टेक्निक को हेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिंग। फिर हमने देखा स्पूफिंग और फिशिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पूफिंग में व्यक्ति किसी दूसरे की जगह पर अपने आप को केवल रखने की कोशिश करता है स्पूफिंग में, जबकि फिशिंग में दूसरे की जगह अपने को रखता है और साथ साथ आपके डेटा को भी चोरी करता है। स्पूफिंग को हम फ्रॉड नहीं मानते हैं, क्योंकि ना कोई चीज़ आपकी चोरी नहीं होती है, यहाँ पर कोई चीज़ आपकी चोरी नहीं होती है। जो आपका स्पूफिंग अटैक होता है उसमें आपके कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, जबकि फिशिंग जो टेक्निक होती है, फिशिंग अटैक वगैरह होते हैं, उसमें सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक वगैरह यूज की जाती है। अगर SMS के थ्रू फिशिंग की जाती है तो उसे स्मिशिंग बोलते हैं। इसमें आपको जो मेल वगैरह नहीं आती बल्कि SMS आता है, जिससे कि आप जो है ट्रिक में फंस करके अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शेयर करते हैं। इसमें हैकर्स क्या करते हैं, SMS भेजते हैं कि आपको KBC है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, 2 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं, तो उन टेक्निक्स का यूज़ करके आपको विक्टिम बनाया जाता है। अगस्त 2018 में हैकर्स ने गमन कर दिया 94 करोड़ रुपए का कॉस्मॉस बैंक से। ओके, और इसमें पता चला कि जो मतलब कैसे ये हैकिंग हुई थी, तो इसमें स्पेयर फिशिंग की गई थी, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इम्प्लॉई थे कॉस्मॉस बैंक के, उन सब इम्प्लॉयों को टारगेट किया गया, उनको ईमेल भेजे गए जिसमें मालवेयर था, और उसमें इम्प्लॉय की डिटेल्स भाई ईमेल आईडी रही होंगी तभी भेजे गए होंगे, और उनके इंटरेस्ट वगैरह को पता किया गया सोशल मीडिया वेबसाइट से। सोशल मीडिया भी जो है फ्रेंड्स जो है ख़तरनाक होती जा रही है, हर चीज़ हर एक्टिविटी की जिनको आदत होती है जो है डिटेल्स शेयर करने की, रिस्की होता है गेम। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 4-6 महीने हुए हैं, उसमें घर वालों ने डाला कि जो है गोइंग गोवा फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं, घर पे कोई और, मतलब उससे चोरों ने अंदाज़ा लगा लिया कि भैया घर पे कोई और है नहीं, वो घर पे गए, 3 दिन तक उनके घर पे रहे, क्योंकि पता है गोवा की फ़ोटोएँ आ रही हैं, बराबर गोवा की फ़ोटो आ रही कि कौन से बीच पर आप हो। उसके बाद में जो है 4th दिन उन्होंने चोरी की और फिर घर से चले गए। आप सोचिए सोशल मीडिया का खतरा ये है, तो थोड़ा सा इसमें सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। आप लोगों को भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि दूसरे को सब कुछ पता चल रहा है जो उसे नहीं भी पता होना चाहिए। हैकर्स ने प्रॉक्सी स्विच को क्रिएट कर दिया होता है, और उस प्रॉक्सी स्विच की सहायता से जो फ्रॉड वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो वेरीफाई हो जाती हैं। जब वॉइस का यूज करके, फ़ोन कॉल्स का यूज करके आपके साथ फिशिंग की जाती है, तो उसे विशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? विशिंग बोलते हैं। ये बहुत कॉमन टेक्निक हो गई है, आपको कभी ना कभी ऐसी कॉल जरूर आई रही होगी, है ना, और आप इस टेक्निक के बारे में अवेयर होंगे। इसमें क्या किया जाता है, आपको फ़ोन कॉल किया जाता है, बताया जाता है कि आपका अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया है, और अगर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है तो तुरंत ही इस नंबर पर डायल कर दें, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, अगर उसको रीसेट करवाना है तो तुरंत ही हमें डेबिट कार्ड का नंबर और OTP बताएं, इस तरीके की डिटेल्स, है ना। या आपको कोई फ्री का ऑफर दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको लकी ड्रा निकल गया है जिसमें आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन उसके लिए 2,000 रुपये आप जमा करो ताकि हम उसको जो भी आपका प्राइस है उसको सिप कर सकें, हैंडलिंग वगैरह के चार्जेज वगैरह दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपका विशिंग में आती हैं। फिर आती है फार्मिंग। जो फार्मिंग होती है फ्रेंड्स, वो टर्म है बना हुआ 2 शब्दों से, फार्मिंग मतलब खेतीबाड़ी और फिशिंग, ठीक है। इन फार्मिंग अ हैकर और फार्मर डायरेक्ट्स एन इंटरनेट यूजर टू अ फेक वेबसाइट इंस्टेड ऑफ लेजिटिमेट वन। फार्मिंग का मतलब होता है, देखिए जब आप जो है जैसे आपने सर्च किया google.com, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, DNS सर्वर होता है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी उनको थोड़ा आइडिया होगा, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि जब आप google.com सर्च करते हैं तो एक सर्वर के पास डेटा जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि क्या सर्च किया गया है google.com, तो वो रीडायरेक्ट कर देता है गूगल की वेबसाइट से और वहाँ से डेटा आ जाता है आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। लेकिन अब सोचिए कि google.com की एक और डुप्लीकेट जो है वेबसाइट बना दी किसी ने, गूगल की ही डुप्लीकेट बना दी और उसको यहाँ DNS सर्वर पर स्टोर कर दिया गया। अब जब आप google.com सर्च करते हैं तो वो यहाँ न जा करके सर्वर के इस वाले पेज पर गिरती है और यहाँ से दूसरी वेबसाइट पर आप चले जाते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स
फार्मिंग, यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट यूजर को डायरेक्ट कर दिया जाता है फेक वेबसाइट पर, लिजिटिमेट वन की जगह पर आप जो है एक्चुअल गूगल पर ना जाकर के या एक्चुअल अमेजॉन पर ना जाकर के दूसरी अमेजॉन वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो दैट इज फार्मिंग। ओके, दीज स्पूफ्ड साइट कैन कैप्चर अ विक्टिम्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डेटा, इंस्टॉल मॉडवेयर ऑन देयर कंप्यूटर। अब सोचिए कि आपको असली अमेजॉन वेबसाइट की जगह दूसरी अमेजॉन वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे अमेजॉन वाला, लॉगिन कर ले जाएंगे, है ना। लेकिन लॉगिन करने के बाद अंदर में भी हो सकता है वो पेमेंट वगैरह आपसे मांगे, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारी डिटेल वगैरह डालते हैं, और ये सब चोरी हो रहा है, ये सब स्टोर होता जा रहा है क्योंकि फेक वेबसाइट है। ओके, तो ये स्पूफ वेबसाइट होती है, स्पूफ मतलब एकदम ओरिजिनल दिखने वाली वेबसाइट जैसी ही वेबसाइट्स होती हैं, और ये मेजर कंसर्न हो गया है किसके लिए, उन बिजनेसेस के लिए जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। फिर आती है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो अगर सॉफ्टवेयर में जो भी कमजोरी है अवेलेबल है पहले से ही, ठीक है, जब तक ये डिटेक्ट नहीं होती, जब तक इसको डेवलपर द्वारा ठीक नहीं किया कर दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तब तक अगर उसको फ्रॉड करने वाले के द्वारा एक्सप्लॉइट अगर किया जाता है तो उसे ही जीरो डे कहते हैं। बात समझे, जैसे कोई वेबसाइट बनी या कोई सॉफ्टवेयर बना, मान लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में कमियां हैं, भाई कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, उस कमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब उसको निरंतर जो है एक्सेस किया जा रहा है, जब तक कि हम डेवलपर को पता चले कि अरे ये वाली कमी है, उसको उसने डिटेक्ट किया, उसको ठीक किया, लेकिन उसके पहले तक आप उसको हैक करते रहे, एक्सेस करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे, उसका दुरुपयोग करते रहे, तो इसी चीज़ को ही जीरो डे वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ये नई टेक्निक आई हुई है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या होती है, जब जो है आप अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाते हैं तब आती है जूस जैकिंग। ओके, खास करके जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं या आप एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो मिलता है मतलब जो है चार्जिंग स्टेशन दिए जाते हैं। अभी तो रेलवे ने भी चार्जिंग स्टेशन दिए हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए मतलब जो है CBI वगैरह ने भी जो है लोगों को बताया हुआ है कि भाई इन चार्जिंग स्टेशन पर अपने जो है फ़ोन को चार्जिंग में मत लगाइए, क्योंकि जब आप ध्यान दीजिएगा ये USB चार्जर होते हैं, कैसे होते हैं USB चार्जर होते हैं, ऐसे पावर पॉइंट में आप नहीं लगाते, आप क्या करते हो अपना सी टाइप वाला जो होता है पोर्ट उसको जो है यहाँ इंसर्ट करते हो और वो केबल आपके मोबाइल फ़ोन में लगी होती है, तो इस USB चार्जर के थ्रू आपके मतलब मोबाइल में मालवेयर चला जाता है, डेटा मतलब वायरस वगैरह चला जाता है, और वो फिर वो आपकी डेटा को चुरा लेते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो चाहे वो आपका मोबाइल हो, तो उसे ही जूस जैकिंग बोलते हैं। विथ चार्जिंग टाइम, जब आप चार्ज कर रहे हैं, वेज ऑफ हैकिंग हैज आल्सो अंडरगॉन, सॉरी विथ चेंजिंग टाइम, चार्जिंग टाइम कर रहा हूँ, जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे जो है हैकिंग भी बहुत आगे जा चुकी है, चेंज हो चुकी है। अटैकर्स आर यूजिंग चार्जिंग पोर्ट्स आर इन्फेक्टेड केबल टू स्टील डेटा आर अपलोड मालवेयर इन मोबाइल एंड लैपटॉप। यहाँ पर चार्जिंग है, वहाँ चेंजिंग की जगह चार्जिंग है, सॉरी, लेकिन जूस जैकिंग का कॉन्सेप्ट यही है। अटैकर क्या करते हैं, जो चार्जिंग के पोर्ट बने होते हैं, एयरपोर्ट वगैरह हो गया आपका या बड़े होटल हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, वहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट में या फिर वहाँ पर केबल भी पहले से लगी होगी, सी टाइप की केबल लगी आपने इंसर्ट कर दिया, तो इन्फेक्टेड केबल वगैरह होती है, तो इनके थ्रू आपका डेटा चोरी करते हैं या आपके मोबाइल में या लैपटॉप में मालवेयर इंसर्ट हो जाता है। ओके, वी शुड डिसेबल डेटा ट्रांसफर सेटिंग इन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जूस जैकिंग अटैक। अगर आपको जूस जैकिंग अटैक से बचना है तो ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर की जो सेटिंग होती है उसको डिसेबल कर देना चाहिए, जब तक हम अलाउ ना करें तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। एनी डेस्क हैकर या टीम व्यूअर हैकर वही होते हैं जो रिमोट पर लेने वाले जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू ये हैकिंग होती है। एनी डेस्क हैकर परसुएड द यूजर टू डाउनलोड एंड एक्टिवेट एनी डेस्क ऐप। तो ये आपको फ़ोन करेंगे किसी भी तरीके से, आपको मनाएंगे कि आप एनी डेस्क ऐप डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद में जब आप ऐप को डाल देते हैं, दे विल आस्क द विक्टिम टू प्रोवाइड ऐप परमिशन लाइक एनी अदर ऐप। जैसे दूसरे पर ऐप में आप परमिशन देते हैं कि ठीक है आप हमारे जो है स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो, गैलरी को एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही ये भी आपसे परमिशन मांगते हैं कि अलाउ कर दीजिए ताकि हम आपके सिस्टम में लॉगिन कर पाएँ। उसके बाद में आपके सिस्टम में रिमोटली एक्सेस कर लिया जाता है, इसके लिए 9 डिजिट का कोड लगता है, यानी कि जब आप एनी डेस्क डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर जो है 3-3 डिजिट के 3 कोड एक साथ जनरेट होते हैं, यही 9 डिजिट का कोड अगर किसी के पास भी अगर हो तो वो आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को रिमोट पर ले सकता है, तो वो होता है एनी डेस्क हैकिंग। ओके, एनी डेस्क हैकिंग।
तो ये हमने बात की थी, मेरे ख्याल से विशिंग तक हमने बात कर ली थी मेरे ख्याल से। थोड़ी देर और धैर्य रखिए, जल्दी इसको निपटाएंगे। तो फार्मिंग मैंने आपको बताया था कि फार्मिंग PHARMING और यहाँ पर FARMING फार्मिंग, साउंड साउंड सेम है ना, एक जैसा बोलते हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है, ये फिशिंग हो गया और ये फार्मिंग, इन दोनों को मिला करके बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि आपको असली वेबसाइट की जगह पर एक फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है हैकर के तो द्वारा, तो उसे ही हम फार्मिंग बोलते हैं। इसमें स्पूफ साइट होती है जो कि विक्टिम के इंपॉर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल डेटा को चोरी कर लेते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डेटा, या मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, और ये एक कंसर्न है किनके लिए, जो भी ई कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट होती हैं, जैसे अमेजॉन की डुप्लीकेट वेबसाइट मिल जाए तो भाई अमेजॉन के लिए नुकसानदेह है ना, एक कंसर्न है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है, जब सॉफ्टवेयर में कोई कमी है, कोई वल्नरेबिलिटी है और उसका फ़ायदा उठा करके जब तक डेवलपर को पता ना चले और उसको वो पैच करके फिक्स ना करें या ऑर्गेनाइजेशन को ना पता चले, तब तक आप उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लाइट करते रहें, उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते रहें, तो दैट इज जीरो डे वल्नरेबिलिटी। जूस चेकिंग में मैंने आपको बताया कि समय के साथ हैकिंग बदलती गई है और हैकिंग का लेबल अब ये हो गया है कि जो चार्जिंग के पॉइंट होते हैं, चार्जर पोर्ट होते हैं या इन्फेक्टेड केबल वगैरह होती है, उनकी सहायता से भी आपका डेटा चोरी होता है, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में मालवेयर लोड कर दिया जाएगा अगर आपने इन पोर्टिंग मतलब इन चार्जिंग स्टेशंस पर अपना लैपटॉप चार्ज किया, अपना मोबाइल चार्ज किया। ओके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी डाटा ट्रांसफ़र सेटिंग को डिसेबल कर देना चाहिए, बिना परमिशन के डेटा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तभी आप जूस जैकिंग अटैक से बच सकेंगे। फिर हमने एनी डेस्क हैकर की बात की, तो एनी डेस्क जो है एक ऐप होता है, एक वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति का सिस्टम रिमोट पर लिया जा सकता है। ओके, रिमोट पर लेने मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सोच लीजिए कि आप असम में हैं, ठीक है, आपका कंप्यूटर मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ अगर आप वहाँ पर एनी डेस्क जो है डाउनलोड कर सकें, तो अगर मैं वहाँ आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ तो आपकी लैपटॉप में जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी मैं देख सकता हूँ, हैक मतलब उड़ा सकता हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक बार आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप के परमिशन दे दी कि भाई दूसरे ऐप की तरह इसको भी सारी परमिशंस हैं, तो वो आपसे 9 डिजिट का एक कोड पूछेगा और आपका सिस्टम हैक हो जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे सम वेज ऑफ मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी मेजर्स आर डिस्कस्ड बिलो। मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी की बात हम करेंगे यहाँ पर कि आपका मोबाइल फ़ोन जो होता है उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न क्या क्या हैं। तो फिजिकल सिक्योरिटी, इनेबल ऑटो लॉक विथ बायोमेट्रिक पिन पासवर्ड आर पैटर्न लॉक, यूज पिन टू लॉक सिम कार्ड, रिकॉर्ड IMEI नंबर एंड रिपोर्ट लॉस्ट आर स्टोलन डिवाइसेस। तो पहली बात, ऑटो लॉक लगा लीजिए, चाहे अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से, चाहे पिन कोड डालिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फ्रेंड्स, ओके, पिन, पासवर्ड डाल दीजिए, कोई पैटर्न बना दीजिए, अपने सिम कार्ड को लॉक रखिए किसी न किसी पिन की सहायता से, अपने फ़ोन का IMEI नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर की सहायता से आपके मोबाइल फ़ोन को ढूंढा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर में मैक एड्रेस होता है, कंप्यूटर में मैक एड्रेस होता है, ठीक है, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में IMEI नंबर्स होते हैं, और अगर कोई डिवाइस चोरी हो जाती है, खो जाती है, तो उसको जो है तुरंत ही रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। बात करते हैं नेट सिक्योरिटी की, तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलें तो वहाँ पर देखें कि HTTP लिखा है कि HTTPS लिखा है, HTTP:// लिखा है या फिर जो है HTTPS लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये होता है और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ओके, और ये ग्रीन हो जाता है और वहाँ पर एक पैडलॉक साइन भी दिखता है। जब भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं कोई भी गूगल पे, तो आप देखते होंगे यहाँ ऐसे लॉक लगा होता है, आप खोल करके जो है देखिएगा ऐसा एक, इसी को ही पैडलॉक साइन बोलते हैं। तो ये ग्रीन होना चाहिए, साइन दिखना चाहिए, इट इंडिकेट दैट वेबसाइट यूजेज इंक्रिप्शन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हैकर्स। तो इससे पता चलता है अगर ये आपको ग्रीन कलर की है, HTTPS जो है आपका ग्रीन है और पैडलॉक का साइन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ इस वेबसाइट में इंक्रिप्शन यूज हो रहा है और उससे आप हैकर से अपने डेटा बचा सकते हैं। साइट डोमेन ID बिफोर यूज, मतलब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, किसी डोमेन को एक्सेस करने से पहले उसको चेक कर लीजिए, हमेशा अथेंटिक वेबसाइट का यूज करिए, इंटरनेट पर सर्च मत करिए, इनका कहना है। मतलब सर्च करने पर जो मैंने आपको बताया नहीं कि अमेजॉन आपने सर्च किया, अमेजॉन से मिलती जुलती वेबसाइट आपको मिल सकती है, इसलिए कोशिश करनी कि अथेंटिक वेबसाइट आपको यूज करनी है। ईजी मतलब जो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, कोई टाइपो हो सकता है, कोई ब्रोकन लाइन वगैरह हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे गूगल लिखा हुआ है ना, लग तो गूगल ही रहा है लेकिन यहाँ पर कैपिटल ओ है, ऐसी चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट कीजिए,
और लेटेस्ट वर्जन इसमें रखी है। साथ ही साथ में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस वगैरह किसी अच्छे रेपुटेबल प्रोवाइडर का यूज करिए और इसे भी रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करते रहिए अगर आपको अपने आप को बचाना है। बोगस स्कीम के बारे में अवेयर रहिए और केवल उन्हीं वेबसाइट या ऐप्स पर डोनेशन करिए जिनकी ऑथेंटिसिटी आपने इस्टेब्लिश कर रखी है, आपको विश्वास है कि हाँ ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। पासवर्ड को लगातार बदलते रहिए, पासवर्ड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लंबी लेंथ का होना चाहिए और इसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स ये सब यूज करना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड सुरक्षित रहता है। अपना खुद का निक नेम, फैमिली मेम्बर का निक नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डिक्शनरी का कोई शब्द, कीबोर्ड का कोई पैटर्न, ये सब जो है कभी नहीं यूज करना चाहिए। कीबोर्ड का पैटर्न जैसे क्वेरिटी, QWERTY, ऐसी चीज़ें नहीं यूज करनी चाहिए, जनरली नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं है, करते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि बहुत से ऐसे लोग, जब आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे, इनको मोबाइल खोलने का जो पासवर्ड होगा वो यही होगा, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4। आदमी इतने सारे एक तो पासवर्ड हो चुके हैं कि लोड कितना ले आदमी, हर ईमेल का पासवर्ड है आपके, जैसे बैंक में काम करते हैं तो बैंक का हर एक चीज़ का यूजर आईडी पासवर्ड है, सिबिल का अलग पासवर्ड है, जहां पर लोन जो है अप्लाई करते हैं वहां अलग पासवर्ड है, HRMS में लॉगिन करते हैं वहां अलग पासवर्ड है, KYC करते हैं वहां अलग पासवर्ड है। आप सोचिए कितना पासवर्ड याद रखेगा आदमी, इसलिए वो सिंपल पासवर्ड यूज़ करना शुरू कर देता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। डू नॉट शेयर ऑल योर इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक डोमेन टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू हैकर्स। अपनी जो सारी जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। जो सोशल मीडिया वगैरह है वहाँ पर अपने एक्चुअल डेटा सारा मत रखिए, जैसे आप अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ना डालिए, अपना मतलब जो भी डेटा आप जो है चुरा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो हटा के रखिए। जैसे मैं बताता हूँ इसमें इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका जीमेल किसी को एक्सेस करना है, ठीक है, तो gmail.com मैंने आपकी ईमेल आईडी डाली, फिर वो कहता है कि जो है आपको ये 3 questions के आंसर देने हैं, आपने भी मूवीज वगैरह देखा होगा। अब वहाँ पूछता है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट स्कूल। अब भाई आपके फेसबुक पर गया, मैंने देखा कि भाई जो है बाबूजी जो है केंद्रीय विद्यालय पढ़े हुए हैं, मैंने KBS डाल दिया, पहला क्वेश्चन क्रैक हो गया। इसी तरीके से 2-3 questions आपके क्रैक हो सकते हैं सोशल मीडिया। तो कोशिश करनी है कि पब्लिक डोमेन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करें। ओके, आपने पता चला कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय वाइफ, अब पता चला आपके फेसबुक प्रोफाइल से वाइफ के प्रोफाइल पर गए, वहाँ से डेट ऑफ बर्थ उसकी उठाई, लगा दिया दूसरा क्वेश्चन, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। सावधान रहें, सतर्क रहें। कीप योर इन्फॉर्मेशन विजुअल टू प्राइवेट आर क्लोज ग्रुप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी भी है तो केवल कुछ लोगों को और खास ग्रुप को ही विजिबल करिए, सभी को मत दीजिए। इमीडिएटली रिपोर्ट एनी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन टू द बैंक एज वेल एज साइबर सेल टू अवॉइड फर्दर लॉस। कोई भी अगर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से हो जाती है तो तुरंत ही बैंक को इन्फॉर्म करिए और साइबर सेल को भी इन्फॉर्म करिए, ताकि आगे और ज़्यादा लॉस ना हो। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुकी हैं, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, जैसे आप बोलते हैं एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, यही है IoT। आप बोलते हैं एलेक्सा फ्रिज बंद कर दो, एलेक्सा AC बंद कर दो, एलेक्सा हनुमान चालीसा चलाओ, है ना। इस तरीके की जो है चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, नेटवर्किंग कर दी जा रही है किसकी, प्रोसेसर्स की और फिजिकल डिवाइसेस की, यानी इंटरनेट आपकी डिवाइस और ये सारी चीज़ें मिल करके इंटरनेट नेट ऑफ थिंग्स बनाती हैं। जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ डाइवर्स डेटा स्ट्रीम। अब इससे क्या होता है कि बहुत बड़े अमाउंट में डेटा आपका बनता है। आपने शायद सुना होगा कि एलेक्सा हमारी बातें सुनती हैं, इसका इल्ज़ाम लगा था अमेज़न के ऊपर कि एलेक्सा हमारी बातें सुनती है और उसे अपनी कंपनी को रिपोर्ट करती, उसी हिसाब से वो लोग जो है उसी हिसाब से वो आंसर को इम्प्रूव करते हैं। मैं बस कह रहा हूँ जो भी न्यूज में आया है ऑथेंटिक नहीं है, नहीं तो पता चला अमेज़न वाले कहें कहाँ है अशोक सर, चलो भाई लखनऊ चलो पता पकड़ करके लाओ इनको, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, जो मैंने पढ़ा है उसी हिसाब से बोल दिया है। तो मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी में फिजिकल सिक्योरिटी ज़रूरी है, यानी कि अपना फ़ोन लॉक करके रखिए, चाहे जिस भी तरीके से, बायोमेट्रिक पिन, पासवर्ड, पैटर्न, कोई भी तरीका यूज़ करिए, लेकिन अपना फ़ोन जो है लॉक रखिए। अपने सिम कार्ड को भी लॉक करने की सलाह दी जाती है। अपना EMEI नंबर नोट करके रखिए, ठीक है। और अगर कोई डिवाइस खो जाती है, चोरी हो जाती है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, बट फिर भी आप उसे रिपोर्ट जरूर कर दीजिए। कई जगहों पर कर भी देते हैं, ढूंढ भी देते हैं, लेकिन जनरली नहीं ढूंढते। फिर जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो HTTPS जरूर ढूंढिए, देखिए कि S लगा है कि नहीं लगा है, ये ग्रीन होना चाहिए और वहाँ पर एक जो है
ताला बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ताला टाइप का बना हुआ होना चाहिए, पैडलॉक साइन बना होना चाहिए। इससे पता चलता है कि वेबसाइट पर इंक्रिप्शन यूज हो रहा है और आप हैकर से बचे रहेंगे। वेबसाइट को यूज करने से पहले उसका एड्रेस चेक करिए, उसका डोमेन आईडी चेक करिए, ठीक है। हमेशा अथेंटिक साइटों का यूज करिए, इंटरनेट पर सर्च मत करिए, सर्च करके किसी साइट पर मत जाइए, लेकिन होता नहीं है, जनरली हम सर्च ही करते हैं, ओके। उसके बाद में जो जर्नल मतलब आसानी से पकड़ी जाने वाली एरर हैं, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई टाइपो टाइपो भी टाइप करने की एरर होती है, कोई ब्रोकन लिंक वगैरह है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार अपडेट करते रहिए, लेटेस्ट वर्जन यूज करिए, एंटीवायरस डालिए और उसको भी रेगुलर इंटरवल अपडेट करते रहिए। बोगस स्कीम से अवेयर रहिए, है ना। उसके बाद में केवल उन्हीं वेबसाइटों और ऐप पर डोनेट करिए जिनकी अथेंटिसिटी आपने प्रूव कर रखी है। पासवर्ड को लगातार बदलते रहिए, पासवर्ड बड़ा होना चाहिए और उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें यूज कर लेनी चाहिए। अपना खुद का जो है निक नेम, अपना नाम, फैमिली मेंबर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, डिक्शनरी के शब्द और कीबोर्ड के पैटर्न, ये सब नहीं यूज करने चाहिए, और 1, 2, 3, 4 ये सब तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन, है ना, अपनी सारी जानकारी पब्लिक डोमेन पर नहीं डालनी चाहिए क्योंकि हैकर्स उसे मिसयूज कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखें या क्लोज्ड ग्रुप में जो है मतलब जो खास लोग हैं उनके साथ ही शेयर करें। अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होती तो उसके बारे में बैंक को बताएं, साइबर सेल को बताएं, ताकि फर्दर लॉस से बच सकें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है मौके पर, जिसकी वजह से बहुत सारा डेटा जो है इधर उधर शेयर हो रहा है, ओके। उसके बाद में बात करेंगे सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री, CPFIR। सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई गई है इसी साइबर क्राइम को रोकने के पर्पज़ से। इसमें रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इट इज़ इन्वेसेज दैट रिपोर्टिंग शुड बी डन ऑन नियर रियल टाइम बेसिस। मतलब ये बोलते हैं कि रियल टाइम बेसिस पर आपको रिपोर्टिंग करनी, इधर फ्रॉड हुआ उधर आपने रिपोर्टिंग करी, आपको ये कोशिश करनी है। अगर बिगिन विथ की बात करें, शुरुआत करने के लिए, एंटिटीज मस्ट इंश्योर दैट ऑल फ्रॉड्स आर रिपोर्टेड टू RBI थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल EDSP। इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल के थ्रू आपको सारे के सारे फ्रॉड रिपोर्ट करने हैं। मैक्सिमम 7 calendar days का टाइम दिया जाता है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाई कस्टमर आर डिटेक्शन बाई ऑफ फ्रॉड बाई एंटिटी। तो जिस डेट को कस्टमर ने रिपोर्ट किया या जिस डेट को आपको पता चला कि कोई फ्रॉड हुआ है, उस डेट से 7 calendar days के अंदर में RBI को डेटा मतलब आपको सारे फ्रॉड की डिटेल्स भेजनी है और इस पोर्टल के थ्रू भेजनी होती है, जिसका नाम है EDSP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन पोर्टल का। रिपोर्टिंग टाइमलाइन शैल बी रिड्यूस ग्रेजुअली टू डेली रिपोर्टिंग आर नियर रियल टाइम टू फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब अभी 7 calendar days में करना है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये करना है कि डेली रिपोर्टिंग करिए और हो सके तो रियल टाइम बेसिस पर कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी नेसेसरी सेफगार्ड होंगे आपके पेमेंट फ्रॉड वगैरह को बचाने के लिए, वो जो है एंटिटीज आपके प्रति मतलब करेंगी। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी RBI को और ये जो हमारी जो ये सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री है, ये अगर टाइम पर एक्शन लेगी तो हो सकता है कि आप फर्दर जो है किसी और फ्रॉड से बच सकें, ओके। तो ये हो गई फ्रेंड, जो है मेरे ख्याल से इतना ही इसको कवर कर देंगे। सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री CPFIR होता है, जो गाइडलाइन है कि RBI को सारे के सारे फ्रॉड रिपोर्ट किए जाने चाहिए, कोशिश करिए नियर रियल टाइम बेसिस पर, मतलब तुरंत के तुरंत आपको करना है। उसके बाद में इसको रिपोर्ट किस में किया जाता है, तो इसको रिपोर्ट किया जाता है थ्रू EDSP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल के थ्रू किया जाता है। मैक्सिमम 7 calendar days, 7 calendar days कब से, जब कस्टमर ने आपको बताया है बैंक में आकर के, या जब आपने खुद डिटेक्ट किया उसके 7 calendar days के अंदर में, और धीरे धीरे इस टाइमलाइन को घटाते हुए इसको डेली बेसिस पर रिपोर्टिंग करनी है और कोशिश करिए कि रियल टाइम में इधर कस्टमर ने बताया तुरंत ही RBI की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ताकि जो है आपको बचाया जा सके, आपके जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनके डेटा को बचाया जा सके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होगा। इतना समय और धैर्य रखने के लिए थैंक यू सो मच।